हेलो नमस्कार दोस्तों। और अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस 5G अगर यूज़ कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मैंने आपके लिए बनाई है, क्योंकि मैं भी S20 प्लस 5G यूज़र हूँ और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा उसके साथ और 5G के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। स्पेशल 5G के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा S20 प्लस 5G के बारे में, दोस्तों ये जो मेरा मॉडल है जिससे मैं वीडियो अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास S20 प्लस 5G कैनेडा वाला है, जिसका मॉडल नंबर मैं आपको बता देता हूँ SM-G986W। आप इसको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। और इसमें अगर चिपसेट की बात करूँ तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 इसमें चिपसेट मिलता है और ये दोस्तों हैंडसेट 5G है। अब अगर मैं बात करूँ दोस्तों आपको इंडिया में क्या ये 5G वर्क करता है या करेगा या नहीं, दोस्तों मैं आपको एक शब्द में अगर बात करूँ वो है नो एंड नो। ये बिल्कुल यहाँ पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि दोस्तों मेरी सिटी में दोस्तों मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से मैं से बिलोंग करता हूँ और मेरे दोस्तों सिटी में 5G है और इसमें दोस्तों मेरे में जियो की सिम डला हुआ है और उसमें 5G नहीं चल रहा है। अब कुछ दोस्त मेरे से कमेंट कहेंगे कि आपको वेलकम ऑफर नहीं मिला होगा, ठीक है मैंने आपकी बात को मान लिया। मेरा एक दोस्त था उसका ओप्पो A74 या A54 ऐसा कुछ समथिंग डिवाइस है और मेरे पास में ही रहता है, तो उसके में दोस्तों 5G चल रहा था। तो मैंने सिम एक्सचेंज किया, मैंने अपना सिम उसके में डाला और उसका सिम मैंने अपने में डाला, उसके फिर भी काम नहीं कर रहा। उसकी वजह सबसे बड़ी है इसका बैंड, जो उसमें फ्रीक्वेंसी 5G के बैंड हैं वो टोटली डिफरेंट है अगर कंपेयर करना है इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में अभी जो पॉपुलर दो बैंड हैं उन्हीं पर सबसे ज़्यादा 5G अगर यूज़ हो रहा है तो फर्स्ट है N78 एंड सेकंड रहेगा आपका N28। ये बैंड दोस्तों आपको लिख के रख लेना है, क्योंकि दोस्तों ये बैंड आपको बहुत, आप अगर नया मोबाइल लेने जाओगे तो आप इंटरनेट में सर्च करना उसमें 5G बैंड कितनी है, उसमें N78 एंड N28 तो होना ही डेफिनेटली होना ही चाहिए। तो दोस्तों N78 जो बैंड है वो आपको अच्छी स्पीड मतलब प्रोवाइड करता है और जो N28 है उससे आपका कवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कुछ इस तरह से है दोस्तों। अगर आप भी S20 प्लस 5G यूज कर रहे हैं, जो आपका किसी भी हो सकता है, आपका USA वाला हो सकता है, आपका कोरिया वाला हो सकता है, आपका चाइना वाला हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपके में 5G चल रहा है या नहीं। मेरे में दोस्तों 5G नहीं चल रहा है और मैंने ट्राई भी कर लिया, मैंने माईजियो ऐप में जाके देखा चेक डिवाइस अवेलेबिलिटी, तो उसमें अपग्रेड बता रहा है यू हैव योर हैंडसेट इज़ अपग्रेडेबल टू 5G, मतलब आप अपने डिवाइस को अब 5G अपग्रेड कीजिए, ये 5G डिवाइस नहीं है आपका। तो कुछ इस तरह से मैंने एयरटेल थैंक्स ऐप में भी जाके देखा, वहाँ पर भी दोस्तों इसमें सेम बताया गया है। दोस्तों मेरे में तो 5G काम नहीं किया, तो आप कमेंट में बताएं अगर आपके में 5G काम कर रहा है या नहीं। दोस्तों फिलहाल ही वीडियो में यही खत्म करता हूँ। दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मैंने आपकी वीडियो बनाया, दोस्तों अगर आप भी 5G डिवाइस लेना चाहते हैं S20 प्लस 5G तो उसको मत लीजिए, क्योंकि आपका पैसा वेस्ट रहेगा। हाँ अगर आप 5G आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है तो आप इसको देख सकते हैं, जो कि मैंने आपका इसको फुल डिटेल एक रिव्यू बनाया हुआ है इसका, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं टेक माइंड पर। दोस्तों ये वीडियो यहीं पर था, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो के लिए। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।